दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऐसे में आपको कुछ इमेजेस अपलोड करने होते हैं, जैसे आपका फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया। ऐसे में आपसे एक पर्टिकुलर साइज मांगा जाता है, जैसे फोटो 100 KB की होनी चाहिए कि 150 KB की होनी चाहिए। ऐसे में फोटो के साइज को कैसे सिंक करें, और ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे में लोग ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करते हैं, और ऑनलाइन टूल वैसे काम नहीं करते जैसे हम चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेकर आए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप 10 MB की फोटो को 1 MB का बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहां से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्रोम ब्राउज़र पर टाइप करेंगे RIOT और सर्च करेंगे। उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, पेज ओपन हो गया है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज रिडायरेक्ट होके एक नया पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा ऐप है, मात्र 2 MB का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सिर्फ 2 MB का सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद हम इस पेज को क्लोज कर देंगे। उसके बाद माय कंप्यूटर में जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लें, या राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसे यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं, कंप्लीटेड लिख के आ गया है, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस पॉपअप को भी क्लोज कर देंगे। सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट अगर आपके डेस्कटॉप पर आ गया है तो आप वहां से उसे ओपन कर लें, अगर नहीं आया है तो आप विंडोज़ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल ऐप्स पर जाएंगे, तो यहां से पे आपको आर से आपको एक मिलेगा RIOT का। यहाँ से इसे पकड़ कर हम डेस्कटॉप पर रख देंगे, जिससे हमें हमेशा ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। आप चाहें तो इमेज को यहाँ से पकड़ कर इस वाले बॉक्स में लाकर छोड़ दें। यहाँ पे लिखा है दिस फाइल कंटेंट ए हाई रेजोल्यूशन इमेज, आप इसे एस कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ये हाई क्वालिटी का इमेज है, आप देखिए 2.81 MB का है, और ऑप्टिमाइज इमेज है 387.15 KB का। आप चाहें तो यहाँ से उस इमेज के साइज को और भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, 20% पे इसकी क्वालिटी क्या है। तो हम इसे जूम करेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों ये देखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एकदम क्लियर इमेज है। बस थोड़ा सा क्लियरिटी इसका कम है, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट या फॉर्म भरते हैं तो उसमें आसानी से लगा सकते हैं। आप यहां से सेव भी कर सकते हैं।
डेस्कटॉप में मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आ रहा है कि आप उस इमेज को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मैं इमेज को रिप्लेस नहीं करना चाहता, इसलिए नो कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसके बाद सेव पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।